Halve Neid! 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 जी नाज़रीन, इस वक्त हम प्रेस क्लब लैया के सामने मौजूद हैं, जहां पर पीपल्स पार्टी लीडरशिप की तरफ से आज महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। और यहां पर मजीद बात करेंगे, यहां पर हमारे साथ काजी हसनुल्लाह साहब मौजूद हैं, जो कि ज़िले सदर हैं पीपल्स पार्टी विंग के, और उनके साथ मीशी मलिक हैं, जो कि वुमेन विंग की जो है सदर हैं ज़िले, और इन तमाम लीडरशिप से बात करते हैं और मजीद तफसीलात इन्हीं की ज़बानी जानते हैं कि आज के इस जो है एहतजाज के इस धरने का जो मोटिव मेन मकसद क्या है। जी, आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पूरे मुल्क में जुमे के रोज़ हड़ताल की और अपना जो है एहतजाज की काल दी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि इस हकूमत ने नाकामी का कोई रास्ता नहीं छोड़ा, इंतहाई नाकाम ये हकूमत है। पीपल्स पार्टी ही इस मुल्क के मसाइल को समझ सकती है। आज आम आदमी, ख्वाह वो किसान है, ख्वाह मजदूर है, ख्वाह मुलाजिम है, ख्वाह ताजिर है, वो पिस रहा है। और पाकिस्तान भर में लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं, लाकानूनियत बढ़ रही है, और लोगों की एक बड़ी तादाद अब पाकिस्तान से इस वक्त की जो हुकूमत है उससे मायूस हो चुकी है, पीपल्स पार्टी की तरफ देख रही है। और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ही आम आदमी के मसाइल का हल है। और पीपल्स पार्टी ये मुतालबा करती है कि इस वक्त जो महंगाई का जिन है उसको काबू में लाया जाए, वरना फौरी तौर पर हुकूमत मुस्तफ़ी। जी नाज़रीन, हमारे साथ पीपल्स पार्टी की विंग से शफीक मिरानी साहब हैं, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं, उनसे बात करते हैं और आज के इस एहतजाज के हवाले से उनके क्या ख्याल आते हैं। जी सर, महंगाई के ख़िलाफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान में एहतजाज कर रही है। जो ये महंगाई की लहर आई है, कल रात ही इन्होंने 5 रुपये के करीब बिजली का यूनिट बढ़ाया है। इसके अलावा किसान परेशान है, गंदम की बिजाई का सीज़न है, खादें मिल नहीं रही, 9,000 रुपये DAP और 2500 रुपये की यूरिया वो भी नहीं मिल रही, किसान लाइनों में लग के खाद ले रहे हैं। तो इस हवाले से जो बिल्कुल जिस चीज़ को देखें, आप फूड आइटम देखें, आम आदमी जो 500 रुपये का दिहाड़ीदार है उसके लिए घर का सिर्फ खाने का बजट भी नहीं बन सकता उससे जो महंगाई है। तो इस हवाले से जो है ना, ये सिलेक्टेड हुकूमत बिल्कुल ही नाकाम हो चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अवामी तर्जुमानी करते हुए, आम आदमी की तर्जुमानी करते हुए महंगाई के खिलाफ एहतजाज की काल दी है, ताकि इस गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज करके इस गवर्नमेंट सिलेक्टेड गवर्नमेंट से जान छुड़ाई जाए। जी नाज़रीन, के साथ जो है मीशी मलिक वुमेन को लीड कर रही हैं ज़िले, तो उनसे बात करते हैं। मैडम, आप क्या कहेंगी कि पीपल्स पार्टी का ये एहतजाजी धरना जो है किस हद तक जो है अच्छा साबित होगा, किस हद तक कामयाब साबित होगा, और इसके बाद मुस्तकबिल का लायामल पीपल्स पार्टी का क्या होगा? अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि आप ये देख सकते हैं कि पीपल्स पार्टी ने हर दौर में गरीब के लिए, मजलूम के लिए आवाज़ बुलंद की है। पीपल्स पार्टी ही है, आपको नज़र आएगा पूरे पाकिस्तान में आप देख सकते हैं कि वो एहतजाजी धरने दे रही है, कहीं पे वो रैलियां निकाल रही है, गरीब के लिए आवाज़ बुलंद कर रही है। हमारी पार्टी का मंशूर यही है कि हम गरीब के साथ हैं। जो गरीब हैं, जो इस तरह से लोग हैं जो अपनी मजदूरी और दिहाड़ी से अपना घर नहीं चला सकते, उन लोगों के लिए हम निकले। आप देखें, सिंध हुकूमत ने 25,000 रुपये बेसिक तनख्वाह कर दी है, तो हाई कोर्ट ने हमें हुक्म दिया है कि ये आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तनख्वाह है। जब हमारे यहाँ पे इतने ज़्यादा मसाइल होंगे, जब इतनी महंगाई होगी, तो 25,000 रुपये कौन सा ज़्यादा है? तो मैं सुप्रीम कोर्ट से भी ये रिक्वेस्ट करूंगी कि वो नज़र सानी करें अपने इस फैसले पे, और गरीब और मज़दूर के लिए 25,000 रुपये बेसिक तनख्वाह कोई ज़्यादा नहीं है। दूसरी बात ये है कि महंगाई का तो ये आलम है कि पेट्रोल जब हम 150 रुपये का डलवाते हैं, तो हम 5 किलोमीटर भी शायद नहीं चलते और वापस घर नहीं जाते अगर हम बाइक पर हैं। और गाड़ी तो अब हमने बंद करके घर में रख दी है कि अब हम कैसे चला सकते हैं, हमारे चूल्हे ठंडे हो गए। हम जब डेली 10,000-5,000 का खर्चा कहाँ से करेंगे? हम 2,000 का पेट्रोल डेली कहाँ से डलवाएंगे? मजदूर और गरीब कहाँ से डलवाएगा? तो खुदारा ये हुकूमत होश के नाखून ले और गरीब के बारे में सोचे। जिस मंशूर के तहत ये इन्होंने धोखा दिया हमें, आवाम को, और ये अपने उस मंशूर को देखें और आवाम के लिए कोई भलाई करें और महंगाई को कम करें।
जी नाज़रीन, बिल्कुल आज यहाँ पर प्रेस क्लब लैया के सामने पीपल्स पार्टी जो पार्टी है मुकम्मल तौर पर यहाँ पर लीडरशिप मौजूद है और यहाँ पर एहतजाज कर रही है महंगाई के खिलाफ। और बिल्कुल पाकिस्तान में चाहे बिजली हो, चाहे आटा हो, चाहे खुर्दनोशियाँ हों या पेट्रोल को देखा जाए तो रोज़ बरोज़ कीमतों में इजाफा हो रहा है। तो इस वक्त गरीब आदमी जो है इस वक्त बहुत मुश्किल का सामना कर रहे हैं और इस वक्त जो है कसम परसी की ज़िंदगी जो है बसर करने पर मजबूर हो चुका है। और इस हवाले से जो है मज़ीद अपडेट जो है एमआर न्यूज़ आपको देता रहेगा और मज़ीद तफसीलात के लिए आप देखते रहे एमआर न्यूज़।